इतिहास इस बात का गवाह है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में बहुत बड़ा बदलाव आया, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर जिसमें हम सब लोग जी रहे हैं। मैं साफ देख रहा हूं कि कोरोना काल के बाद विश्व एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ, नई व्यवस्थाओं की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है कि हम लोग एक भारत के रूप में इस अवसर को गंवाना नहीं चाहिए। मेन टेबल पर भारत की आवाज भी बुलंद रहनी चाहिए। भारत ने एक लीडरशिप रोल के लिए अपने आप को कम नहीं आंकना चाहिए। और इस परिप्रेक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी के 75 साल अपने आप में एक प्रेरक अवसर है। उस प्रेरक अवसर को लेकर के, नए संकल्पों को लेकर के देश जब आजादी के 100 साल मनाएगा, तब तक हम पूरे सामर्थ्य से, पूरी शक्ति से, पूरे समर्पण से, पूरे संकल्प से देश को उस जगह पर लेके पहुंचेंगे। ये संकल्प का समय है। आदरणीय अध्यक्ष जी, बीते वर्षों में देश ने कई क्षेत्रों में, मूलभूत व्यवस्थाओं में बहुत मजबूती का अनुभव किया है और बहुत मजबूती के साथ हम आगे बढ़े हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, गरीबों को रहने के लिए घर हो, ये कार्यक्रम तो लंबे समय से चला है, लेकिन जो गति, जो व्यापकता, विशालता, विविधता उसने उसमें स्थान पाया, उसके कारण आज गरीब का घर भी लाखों से भी ज्यादा कीमत का बन रहा है। और एक प्रकार से जो भी पक्का घर पाता है वो गरीब आज लखपति की श्रेणी में भी आ जाता है। कौन हिंदुस्तानी होगा जिसको इस बात को सुनकर के गर्व न हो कि आज देश के गरीब से गरीब के घर में शौचालय बना है, आज खुले में शौच से देश के गांव भी मुक्त हुए हैं। कौन खुश नहीं है? कौन खुश का ठीक नहीं है? हो गया? प्लीज, मैं बैठने के लिए तैयार हूं, आप बोलिए। नहीं प्लीज अजन जी, आपको धन्यवाद करके शुरू करूं? बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार अजरा अमर रहे। प्लीज आजादी के इतने सालों के बाद गरीब के घर में भी जब रोशनी होती है तो उसकी खुशियां देश की खुशियों को ताकत देती है।